तो चलिए बिना किसी देरी के सारे साथी जुड़ गए हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। करंट अफेयर आपका इतना अच्छे से कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, स्टैटिक और जितना भी विविध है, तो बिना किसी देरी के आपके फटाफट आंसर आने चाहिए। जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करना, जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। आज इस चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं अपन, ठीक है। पूरी साल का अगर 12 महीने का 7 दिन में रिवीजन करना है तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देने होंगे। अरे भाई करंट अफेयर है, इस चीज़ को इतना डीप में जाने की जरूरत कहाँ है। एक क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन सेम उसका एक्सप्लेनेशन का दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछना चाह रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 में 14वें संस्करण में किसने जारी किया है, मतलब पूछना चाह रहा है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल जारी किया है वो किसने किया है। ऑब्वियस ये बात है, स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और अपना जो करंट अफेयर का पढ़ा हुआ है चीजें तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। तो स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, डी वी सदानंद गौड़ा, हर्षवर्धन, तो चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन में से कौन होगा जो अपने स्वास्थ्य मिनिस्टर है, कौन है, हर्षवर्धन, जिनकी चांदनी चौक अपने चुनावी क्षेत्र है, जिनका चुनावी क्षेत्र क्या है, चांदनी चौक। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन, पहले का राइट आंसर चार ऑप्शन हो जाएगा। सबको पता है स्वास्थ्य प्रोफाइल, ठीक है, सब 2019 का 14वां संस्करण, 2019 लगभग ये 2005 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 2015 से इसको डिजिटली करना स्टार्ट कर दिया था, 2015 से, ठीक है। इसकी जो भी रिपोर्ट आती है 2015 से इसको डिजिटली कर दिया था, डिजिटल कर दिया था और 2005 में इसको स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। इतना समझ में आया, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी के। जितना जल्दी आप आंसर देने की कोशिश करो, करंट अफेयर है भाई, अगले क्वेश्चन में उसका और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिटेल में मिल जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना 11,320 लोगों के साथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। सबसे ज्यादा घनत्व है जिसमें सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, बी ऑप्शन, दिल्ली में सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं 11,000 लोग, कितने, एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें 11,320 लोग रहते हैं, मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और इसके बाद में एक और बता दूं कि सबसे कम कहां पे है, अरुणाचल, सात साल में लिखते जाना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट है, लास्ट की ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा कहां पे, दिल्ली की बात हो रही है, सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे ज्यादा दिल्ली में 11,320। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाक से आप जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, कल्पेश्वर बंदगी, अनिल जी, जितने भी साथी हैं सभी का राइट आंसर है। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करिए। मैं साथ साथ में आपको डिटेल में, कल्पेश्वर, दिल्ली पर्सन, 11,320 लोग, बिल्कुल वेरी गुड। और लास्ट कौन है याद रखना, अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट आंसर आना चाहिए सभी का, एक साथ एक भाषा में सभी का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आना चाहिए। तो क्या है उस मिशन का नाम बताइए जिसमें 100% टीकाकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो वह कौन सा मिशन है आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें 100% टीकाकरण किया जाएगा, टिक्के लगाए जाएंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी टिक्के हैं तो सारे लगाए जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत मिशन इंद्रधनुष, सुरक्षा मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन इंद्रधनुष, संसद आदर्श मिशन इंद्रधनुष, चार ऑप्शन दिए गए। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहन मिशन इंद्रधनुष। तो ये कहां पे लॉन्च किया गया, दिल्ली में एक पोर्टल,
पोर्टल लॉन्च किया गया वेब पोर्ट में, दिल्ली में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है किसका के नाम से, गहन मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आंसर देने की कोशिश करिए। देखो ये हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, जो स्वास्थ्य मिनिस्टर अपने हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया गया, याद रखना। और इसका क्या है, गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। देखो ये भी है ना करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनको लैंग्वेज में अच्छे से ढालने की कोशिश करना, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर करंट अफेयर के सबको पता है गहन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, लेकिन उसको अच्छी लैंग्वेज बनाना ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 का तीसरा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ग्लोबल आयुर्वेद समिट का तीसरा समय, आयुर्वेद समिट 2019 का तीसरा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया। तो आपसे पूछना चाह रहा है ग्लोबल आयुर्वेद समिट का तीसरा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं अपन, कौन सा ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 कहां पे आयोजित किया गया। देखो इसके साथ में दो क्वेश्चन हो गए, कोची केरल में, मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली दिल्ली, और चौथा कोलकाता वेस्ट पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं किनका राइट आंसर आ रहा है। केरल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सुमन सौरभ का जी राइट आंसर आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये केरल के किन्होंने लॉन्च किया है, केरल के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल ने कोची केरल में लॉन्च किया है, किसके लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप इनोवेशन के लिए, ने स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केरल के राज्यपाल के द्वारा। तो केरल के राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ द्वारा। मैंने पहले भी याद कराया था, दो स्टेट के मुस्लिम राज्यपाल है, बाकी सबके हिंदू है, तो याद ऐसे भी रख सकते हैं। मोहम्मद आरिफ केरल के राज्यपाल है, जिनके द्वारा कोची केरल में ग्लोबल आयुर्वेद समिट का थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाओ सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में किन दो देशों में कृषि बाजार विकास के सहयोग के इरादे से संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। तो ऐसा दो राज्य देशों के नाम पूछा गया, ऐसे दो देशों के नाम पूछा गया है जिसमें आपसे मतलब पूछा गया है कि कृषि के बारे में, कृषि से रिलेटेड दो MOU मतलब एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का भी आंसर दे दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का भी राइट आंसर। देखो जितना जल्दी होगा सारे फटाफट से, क्योंकि रिविजन है बात, ठीक है। तो हाल में किन दो देशों में कृषि बाजार विकास के सहयोग के इरादे से संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, संयुक्त घोषणा पे हस्ताक्षर किए गए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें क्या है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान, भारत और रूस, और भारत और जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर फोर्थ डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत और जर्मनी के बीच में कृषि से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। किनके बीच में, भारत प्लस जर्मनी, ठीक है, भारत प्लस जर्मनी के बीच में, ठीक है, भारत और जर्मनी, भारत की तरफ से और जर्मनी की तरफ से कौन आया था, कल जूलियन कलकन, ठीक है, ये याद रखना नाम, मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, जर्मनी और भारत और जर्मनी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये दो दिन की मीटिंग थी, 1 नवंबर 2019 को भारत और जर्मनी के बीच में कृषि से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए।
जी अनूप कुमार जी कह रहे हैं यहाँ पे नेट नहीं चल रहा लखनऊ में जी। नेट की ऑल ओवर इंडिया कई बहुत सी जगह प्रॉब्लम है क्योंकि जो अपना सीएबी बिल आया है उसकी वजह से, जिसके विरोध की वजह से बहुत सी जगह पे नेट बंद करना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस चीज को 2-3 दिन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन खाद्य कृषि मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने भारत में, देखो खाद्य मिनिस्टर जिनका नाम अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था, जो कि भारत में आए थे और कृषि से रिलेटेड एग्रीमेंट किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, बी ऑप्शन अभी मैंने बोर्ड पे आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 पे, बिना किसी देरी के याद, अगर याद हो तो कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस डिटेल जो आप कहते हो ना कि सर क्वेश्चन के साथ में डिटेल भी बताइए, तो यहां पे क्वेश्चन के साथ में डिटेल भी आ गई कि यहां पे जर्मनी के साथ में एग्रीमेंट हुआ कृषि से रिलेटेड। तो जर्मनी की तरफ से कौन आया था? तो जूलिया क्लोकनर आए थे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7, सबका राइट आंसर आना चाहिए, सबका, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी का नाम बताइए जिनका भारत का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। तो सबको पता है जम्मू कश्मीर को तोड़ के 370 हटाने के बाद 2 यूटी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बना दिए गए, सबको पता है, ठीक है, सबका राइट आंसर आना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख और ले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर जम्मू और लद्दाख कश्मीर कहाँ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, सबको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं जम्मू और लद्दाख की बात है तो ये यहां पे कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर को, सबको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को इनका फॉर्मेशन माने जाए थे, 31 अक्टूबर 2019 को ये बन गए थे, ठीक है, यूटी बन गए थे। अब मुझे बता दो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और यहां के भी उपराज्यपाल, तो यहां पे जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल कौन है, जीसी मुर्मू, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, जीसी मुर्मू, कोशिश करना, सबको पता होना चाहिए जीसी मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, जीसी मुर्मू। और लद्दाख की बात आ गई तो यहां पे आर के माथुर, ठीक है, इतना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, सबको पता चल गया इतना कि भाई क्या क्या बात है, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए थे, 2 यूटी में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे राइट आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है। अब आ जाओ सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही है, देखो सारा अपन अभी है ना थोड़ी सी देर बाद अपन क्या करने वाले, स्टैटिक भी को स्टार्ट कर देंगे, अभी एक बार करंट के क्वेश्चन की स्पीड पकड़ते उसके बाद अपन सारा राज्यपाल नेशनल पार्क सब कुछ एक साथ इसमें कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या करंट अफेयर को थोड़ा सा स्पीड पकड़ते, उसके बाद रूटीन में लेके आते करंट अफेयर को, उसके बाद मैं सारा बताऊंगा। अब
किस संगठन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद नए राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार किया गया? तो पूछना चाह रहा है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए यूटी बने हैं, ठीक है, उनका मानचित्र कौन से संगठन ने, कौन से बॉडी ने, भारत की कौन सी बॉडी ने बनाया है? दोबारा से यूटी के रूप में भारत का सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद, ठीक है, विज्ञान प्रसार, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्र संगठन। देखो किनका आंसर, साउंड प्रॉब्लम, साउंड अब आ रही होगी कल्पेश्वर बंदकी जी, साउंड अब आ रही है। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके सभी एक बार तहे दिल से क्लास को अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए और जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। किस संगठन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के गठन के लिए नया मानचित्र बनाया गया? तो यहां पे अपन से क्या पूछने चाह रहा है, जो नया मानचित्र बनाया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उसके बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ध्यान में रखना, भारत का सर्वेक्षण, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, भारत का सर्वेक्षण ए ऑप्शन। तो अपने क्या हो जाएगा यहां पे, उन्होंने क्या किया, 28 राज्य और कितने अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं सबको पता होना चाहिए, 9 केंद्र शासित, पहले 7 हुआ करते थे तो एक साथ 2 बढ़ गए, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर कब बने थे, 31 अक्टूबर को बन गए थे, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। मैंने उनके फर्स्ट राज्य उपराज्यपाल का भी नाम बता दिया, 28 राज्य इनका नया मैप दिया है किसने, भारत का सर्वेक्षण बॉडी द्वारा इनको नया मानचित्र दिया गया। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, अब धीरे धीरे स्टैटिक स्टार्ट भी करते हैं साथ में, अब धीरे धीरे स्टैटिक भी साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, जितना भी 28 और 9, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। पहले कितना हुआ करते थे, पहले 7 ही हुआ करते थे, एक साथ 2 बढ़ गई, ठीक है, एक ही राज्य के 2 हिस्से कर दिए। उस राज्य का, उस जिले का पता लगाइए जो नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा नहीं है। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि अपने देश में एक तो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है करंट में, दूसरा है अपना जो अयोध्या वाला, ठीक है। अब एक आ गया केब वाला, ये जो अपना जो सीएबी बिल है ना, अपना जो अभी नागरिकता वाला, वो बिल इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है अपना, एनआरसी। दो अगली क्लास में सारी चीजों को, इन चीजों पे फोकस रखा जाएगा, एनआरसी। ये अपने 4 पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है 100% आपके अगर करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 4 क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आएंगे, 4 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, इतने इतने बड़े फिर डिसीजन है, सबसे बड़े मतलब 10-10, 20-20, 25-25 सालों से जो पेंडिंग चला आ रहा था उन चीजों को सोल्व किया गया है। तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बनेगा, 100% आएगा, चाहे जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन, जो यूटी बनाने के लिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी का नाम पूछ लिया आपसे, या कब बना था, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, अयोध्या पे जो पांच जजों ने फैसला दिया था, पांचों जजों के नाम पता होने चाहिए, उस कमेटी का हेड कौन से जज थे वो पता होना चाहिए। तो सारा अपन वो सारा सब कुछ करेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे, सारा एक एज एग्जामिनर की तरह सोच के पढ़ेंगे ताकि अपना 100% सही हो। अब आ जाओ यहाँ पे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे फोकस ये रखा गया भाई, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, कोई भी एनी बॉडी कुछ भी हो, सारा कवर किया जाए, इसलिए क्वेश्चन लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रोहित नोक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंछ जिला है, जो जिसके बारे में आप बहुत सी बार अखबार में न्यूज सुनते हो, जिनमें क्या है कि आतंकवादी वाला आता है कि आतंकवादी घुस गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा आपकी, एक भी चीज नहीं रहेगी आपकी, जिसमें जम्मू कश्मीर फॉर्मेशन की कमेटी उसको सेटल, वहां के लोगों की जिंदगी सेटल करने के लिए कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना जल्दी हो रूटीन में आ जाए, उसके लिए भी एक कमेटी बनी है, उसका भी मैं नाम बताऊंगा सारा, जब कमेटी वाला चीज पढ़ेंगे स्टैटिक वाला। तो विश्वास रखिए इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्वेश्चन क्या है, भारत अमेरिका और आर्थिक और वित्तीय साझेदारी वार्ता 2019 की 7वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? भारत और यूएस के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत की ओर से लीडरशिप किसने किया था? तो जितना जल्दी हो सके एक बार आंसर दीजिए।
जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। चलिए जितना जल्दी हो सके, जी यहाँ पे क्या कुछ कह रहे हैं कि सर यहाँ से मून से, बिल्कुल वो भी दिमाग से निकल गया, उसमें चंद्रयान भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो अपने देश की इतिहास लिखते हैं, बहुत बड़ा इतिहास लिखते हैं। तो इनसे क्वेश्चन वाकई में आएंगे, बार बार आएंगे, हर पेपर के हर सेट में मिलेंगे आपको। तो इनको अलग से एक बार अपन 150 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे उनको अलग से भी कर लेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दे दो बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आ जाना चाहिए अब तक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या क्या, भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय, देखो वित्तीय साझेदारी की बात आ रही है तो कौन करेगा भाई, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी, तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर की नाम आया है, ठीक है। तो यहां पे हो गया निर्मला सीतारमण, तो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक बनाने की सीखो, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने की सोचो। अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो यहां पे भारत अमेरिका की कौन सी आर्थिक वित्तीय साझेदारी वार्ता 2019 की सातवीं बैठक हुई है, प्रतिनिधि आप ध्यान में रखना इस चीज को, इसको ध्यान में रखना। तो ये एक बात और बता दूं, ये बैठक कहां पे हुई है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इस बैठक को आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में कौन सी बैठक को आयोजित किया गया है, आर्थिक और वित्तीय साझेदारी, आर्थिक आर्थिक और वित्तीय, ये जो बैठक है इसमें नई दिल्ली में आयोजित किया गया और भारत की ओर से रिप्रेजेंट किसने किया, निर्मला सीतारमण जी ने। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे के सारे सही होने चाहिए भाई, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए सीतारमण जी। जी बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार जी, कल्पेश्वर बंदेकी जी कह रहे हैं इसरो से भी लेके आएंगे, इसरो के देखो दो क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछा ही जाएगा, लैंडर ठीक है, रोवर, दूसरा दो महिला जो इसरो की जो हेड है, जो प्रोजेक्ट को हेड लीड कर रही थी, दो महिलाओं के नाम, लैंडर और रोवर के नाम, दूसरा कि भाई चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का बहुत चांस है। अब की बार तो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो भाई अब की बार तो एग्जाम वाले को ढूंढना ही की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, करंट अफेयर के इतने अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको सी ए बी बिल से भी है ना, अगर 10 क्वेश्चन बना के दे देना तो बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट, हाल ही में किन दो देशों में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और आतंकवाद के वित्तीय पोषण का मुकाबला करने, मतलब जो आतंकवाद को पैसे भेजते हैं उनसे मुकाबला करना, उसको रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पे सहमति व्यक्त की है, दो देशों में सहमति बनी है किसके लिए, कि भाई आतंकवाद को जो पैसा देते हैं वो नहीं दिया जाए, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगल जो इतना भी काला पैसा एक देश से दूसरे देश लेके जाते हैं उसके बारे में। तो ठीक है, कौन कौन सा, भारत, जापान, भारत और रूस। तो जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए, भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए गए, मतलब इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहां पे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, भारत और अमेरिका की बात हो रही है। अभी जो 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 बैठक हुई थी ना अपनी वित्तीय, किसकी, निर्मला सीतारमण, आर्थिक और वित्तीय सहयोग बैठक नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका और डिटेल में बताया गया है। इसमें क्या काम किया गया कि भाई आतंकवाद को जो पैसा दिया जाता है उस पर रोक लगाई जाए, दूसरा इस पर क्या है कि भाई जो बिना किसी परमिशन सरकार के काला पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उस पे थोड़ा लगाम लगाया जाए। तो इन चीजों पे बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका फोर्थ, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, आपकी स्क्रीन पे है, जितना जल्दी हो सके, वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करेंगे अपन। तो कोयला और खदान मंत्री संसदीय मामलों में मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला यहाँ पे क्वेश्चन के, मैंने पहले यही कहा था कि भाई क्वेश्चनों में क्वालिटी है, दम वाली बात है, क्या है कि कोयला और खदान मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, जिनको पेट्रोलियम मिनिस्टर भी दिया है। जोशी द्वारा 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन करने के लिए लक्ष्य के रूप में कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया, तो कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया, जल्दी आंसर दीजिए, मतलब 1 बिलियन टन, कितना, 1 बिलियन टन,
1 बिलियन टन कोयला निकालने का लक्ष्य कौन से साल तक रखा गया? 2025, 2022, 2023, 2000 कितना? इसका राइट आंसर दीजिए 2024, 2024 जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर देखो कि बहुत से बच्चों को आ रहा है, इसका राइट आंसर 2024, 2024। और दूसरी बात है 2024 क्यों रखा गया है, 2024 क्यों रखा गया है? कोल इंडिया, कोल इंडिया आपने सुना होगा, कोल इंडिया, कोल इंडिया, ठीक है, आपने सुना होगा कोल इंडिया की बात चल रही है, तो कोल इंडिया का 45वीं साल लगेगी इसको, 45वीं ईयर में जाएगा, 45 साल का हो जाएगा कोल इंडिया। तो 2024 का टारगेट रखा कितना? 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन। कौन रखा है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान कौन है अपने? धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, मैंने बताया आपको कौन से मिनिस्टर है अपने, खदान मंत्री, कोयला मंत्री है धर्मेंद्र, और संसदीय मामलों के बारे में कौन रखते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी रखते हैं। 1 बिलियन टन 2024 तक, राइट आंसर सबका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात रखना कि कोल इंडिया 2024 में क्या है कि 45वीं संस्करण होगा, 45वीं संस्करण, स्थापना दिवस, मतलब इसका जो भी स्थापना दिवस है 45वें स्थापना दिवस के अवसर पे 2024 को इसको टारगेट रखा गया 1 बिलियन टन धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? कोयला और खदान मंत्री। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है जल्दी से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर बताइए गुजरात के सीएम चलिए गुजरात के सीएम और गवर्नर की बात। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर का नाम बताइए जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया। तो उस जर्मनी के चांसलर का नाम बताइए जिन्होंने भारत का दौरा किया हाल ही में, उस जर्मन चांसलर का नाम बताइए जिन्होंने भारत का हाल ही में दौरा किया है। और दौरे का मकसद क्या था, किसके रिलेटेड में आए थे, किसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एंजेला मर्केल, याद रखना एंजेला मर्केल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि जर्मनी के चांसलर कौन आए थे? एंजेला मर्केल। बी ऑप्शन एंजेला मर्केल। और ये किससे रिलेटेड आए, काम आए थे रक्षा संबंधी समझौतों के लिए, रक्षा समझौतों के लिए ये आए थे जर्मन चांसलर, क्या नाम है? एंजेला मर्केल। और 1 नवंबर 2019 को आए थे, रिसेंटली की बात है कुछ ज़्यादा, 1 नवंबर 2019 की बात है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबका राइट आंसर आने चाहिए मेरे जितने भी साथी देख रहे जी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से राइट आंसर आना चाहिए सबका एक साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 5वीं इंडो जर्मन अंतर सरकारी परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? मैं पहले ही कहा था आपको कि आपका जितना भी है एक भी चीज नहीं छुड़ेगी, जितना भी है सब चीजों को कवर किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ जितना जल्दी हो सके आंसर, उसी क्वेश्चन का और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो 5वीं इंडो जर्मन अंतर सरकारी परामर्श कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली, बर्लिन, जर्मनी, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर सबने दे दिया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी अपने पढ़ा था भारत आए थे जर्मन चांसलर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आ जाइए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो, सारा डिटेल बाय डिटेल है,
आपको और डिटेल में, अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इसमें क्या है, जर्मनी के संघीय गणराज्य चांसलर एंजेला मर्केल पूरा डिटेल में अब तक आ गया, कहां आए थे, नई दिल्ली में आए थे, किससे संबंधित, रक्षा संबंधित समझौतों के लिए। तो यहां पे भारत और जर्मनी के बीच कितने समझौतों पे हस्ताक्षर किया गया, तो अगर कितने समझौतों पे हस्ताक्षर किया गया पूछना चाहिए, रक्षा संबंधित जितने भी समझौते थे, रक्षा संबंधित जितने भी है, रक्षा संबंधी सुरक्षा संबंधी जितने भी समझौते हैं उनसे रिलेटेड है, तो कितने समझौते करके 20, 17, 23, 22 और 25 इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है कि इतने ज्यादा एग्रीमेंट्स हुए, कितने 20 प्लस एग्रीमेंट्स हैं। तो जल्दी आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 एग्रीमेंट करके गए, 17 एग्रीमेंट, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 17 एग्रीमेंट किए उन्होंने 1 नवंबर 2019 को, और किससे संबंधित, रक्षा से संबंधित समझौते, ठीक है, याद रखना है ये चीजों को, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 की बात, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, अब नया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, नया क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी के बाहर दौरे के दौरान संघीय गणराज्य जर्मनी चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल, दो बार तो क्वेश्चन में आ गए, एक बार मैंने बता दिया, अब याद हो गया होगा आपको एक चीज, ठीक है, बाहर दौरे के दौरान संयुक्त राष्ट्र की पांचवी संयुक्त घोषणा का हिस्सा नहीं है, 2020-24 की अवधि के लिए परामर्श, समसामरिक परियोजनाओं का सहयोग, ठीक है, AI का अनुसंधान और विकास में सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सहयोग, चार ऑप्शन दिए गए, दोबारा से समझने की कोशिश करिए, क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है दौरान संघीय गणराज्य जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, जर्मनी के चांसलर सबको याद हो जाने चाहिए, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया है आपको, भारत यात्रा के दौरान कहां पे आए थे, नई दिल्ली में आए थे, सबको बताया, पांच संयुक्त घोषणा का हिस्सा नहीं है, मतलब जो पांच संयुक्त घोषणा है उनमें से एक हिस्सा नहीं है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आना चाहिए, अभी तक तो सबका आ जाना चाहिए था, सबका राइट आंसर आ जाना चाहिए था, जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं सबका राइट आंसर आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सहयोग, भाई रक्षा की बात हो रही है, देखो रक्षा और रिसर्च से, तो विकास में सहयोग, समसामरिक परियोजनाओं का सहयोग, 2020 और 24 की अवधि के लिए परामर्श, तो सारे बातें शुरुआत के तीनों सही हैं, आप तीनों समझौतों के ध्यान में रखना, और चौथा वाला है जो इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सहयोग, डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी लंबा खींच गया क्वेश्चन, सारों को सभी को याद हो गया होगा, अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 17 एग्रीमेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 17 एग्रीमेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, और जर्मनी अपने देश में वैसे ही कम ही विजिट करते हैं, जर्मन से अपने देश में वैसे कम ही विजिट करते हैं, और इतने ज्यादा एग्रीमेंट्स के साथ में तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसने हाल ही में जर्मन मर्केल के अगले 5 वर्षों में 1 बिलियन का निवेश करने का चयन किया है। मर्केल ने मतलब जर्मन से अपने उस कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1 बिलियन का निवेश करेंगे, स्टार्टअप के क्षेत्र में, नगर विमानन के क्षेत्र में, पर्यावरण के अनुकूल, शहरी गतिशील और अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों का नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट शहरों का, तो ये किस में करेंगे, पर्यावरण में करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो अगर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, ठीक है, तब तक आप जल्दी आंसर दीजिए, तब तक आप आंसर दीजिए, क्या पूछा गया अपना क्वेश्चन नंबर 19 में, किसने अधिकार प्राप्त समिति, इसी की बात हो रही है कि अध्यक्षता की, जिसने पूरे भारत के पुलिस थानों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और महिला हेल्प डेस्क को मजबूत करने की सिफारिश की है, मतलब ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने भारत देश के जितने भी पुलिस थाने हैं उनमें महिलाओं की हेल्प डेस्क को, मतलब एक ऐसी जगह नंबर जारी किया जाए जिससे कि महिलाओं के बारे में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, या उनको जो भी दिक्कत आती है उनको प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए, या दूसरा क्या है, एंटी ह्यूमन
ट्रैफिकिंग मतलब जितने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उनके बारे में, तो कौन सी? एक एस के सिन्हा ने, राजीव गोबा ने, रविंद्र कुमार सामंत गोयल ने। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या है, चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, अगर कमेटी से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रविंदर पवार, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19 है, ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, रविंदर पवार। ये क्या करेंगे, जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार, बाल विकास और जो किडनैपिंग जितने भी केस हैं उन सब को निपटने के लिए एक अलग से सिफारिश की गई कमेटी बनाई गई है कि भाई उनको सुझाव दी गई है इस कमेटी के द्वारा सुझाव दिए गए। कौन सी? रविंदर पवार कमेटी। किससे रिलेटेड है? पुलिस थाना, राष्ट्र भारत के जितने भी पुलिस थाने सभी से, ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं और बच्चों के साथ में जो अत्याचार होते हैं उनसे निपटने के लिए, दूसरा जो किडनैपिंग और अपहरण वाले जो मामले हैं उनसे निपटने के लिए इस कमेटी को ज्यादा फोकस किया गया है। तो कौन सी? रविंदर पवार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, रविंदर पवार कमेटी किससे रिलेटेड है? मैं अगर पूछूं आपसे तो आपका सभी का एक साथ जवाब आना चाहिए कि भाई ये तो भारत देश के जितने भी पुलिस थाने हैं उनमें महिलाओं के हेल्प डेस्क बनाने के लिए और जितने भी महिला और बच्चों के साथ में अपहरण तस्करी इनको रोकथाम के लिए एक समिति बनाई। तो सबको ध्यान में रहेगा आज के बाद, सबको ध्यान में रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट है। किस फंड का उपयोग करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और महिला सहायता डेस्क की सिफारिश की जाएगी? देखो यहाँ पे सारा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, सारा डिटेल में आपको बताया गया है, सब कुछ सारे डिटेल में बताया जाएगा सारे क्वेश्चन। तो रविंदर पवार कमेटी जो बनी थी, पहली बात रविंदर पवार, ठीक है, ये कमेटी बनी है पुलिस थानों में सुधार, ऐसे याद रख लेना, पुलिस थानों में। और इसमें जो पैसा लगेगा वो कहां से आएगा? तो यहां पे निर्भया फंड, स्थायी निधि, राजस्व निधि, कैपिटल प्रोजेक्ट फंड, चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन से जान से रविंद्र पवार कमेटी ने जो सिफारिश दी गई है उन सिफारिशों को लागू करने के लिए पैसा कहां से निकालेगी सरकार? तो पैसा कहां से निकालेगी? तो सबको पता है निर्भया फंड जो अपना था, निर्भया फंड से पैसा निकाला जाएगा। सबको पता है एक ऐसा फंड है जिसमें महिला और बाल बच्चों के साथ में तस्करी और अत्याचारों को रोकने के लिए ये अलग से एक फंड योजना की स्थापना की गई थी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में? ए, निर्भया फंड। कहाँ पे देगा पैसा? जो रविंद्रनाथ पवार कमेटी ने जो सिफारिश दी है उनसे भारत के जितने भी थानों में सुधार किया जाएगा उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं सभी का एक बार नाम ले देता हूं ताकि उनको लगे कि भाई हाँ ठीक है, गुरुजी आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं जितनी भी बातें। तो सभी एक बार सभी शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं, और एक बार जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है ताकि अपने जो साथी रह गए वो आ जाए। अब आ जाओ सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सारे आ जाओ, एक बार शेयर करके सारे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे अपन बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन ना लो, सारी चीजों को अपन करेंगे। मैं आपको और अच्छी चीजें बताऊंगा। अब देखो इधर से क्वेश्चन नंबर आपका 21 का, तब तक इसका राइट आंसर दीजिए, मैं बोर्ड पे आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लिखता हूं तब तक, जैसे अपन पहले करते थे, योजनाएं करते थे, राज्यपाल का नाम करते थे, सारी चीजों को अपन में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जितना भी अपन है सारा डिटेल में देखेंगे। चलिए सबका राइट आंसर आना चाहिए। देखो अभी जाने का मतलब ही नहीं है।
चलिए अब आ जाओ, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में जिसने नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर की शुरुआत की करके भारत में पहले नैनो आधारित पर्यावरण अनुकूल संयंत्र पोषण योजना की शुरुआत की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी बात जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात होगी चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन उर्वरक और चौथा ऑप्शन क्या है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो चार ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए मेरे साथियों का, DDD। ठाकुर जी ऐसा नहीं है जी, अभिषेक मिश्रा जी, सोनम जी, सुमन, कल्पेश, सोनम, दिलजान जी, सी ऑप्शन आ रहा है, सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। गलत हो गया भाई मेरे भाइयों, गलत है। किसमें देखो, नाइट्रोजन, नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर की शुरुआत करके भारत के पहले नैनो आधारित पर्यावरण अनुकूल संयंत्र पोषण, देखो पोषण उत्पादकों की मतलब खाद बीजों से रिलेटेड बात है। तो किससे आएगा, भारतीय कृषि सहकारी विपणन पहला ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, दूसरा भी बन सकता है, रसायन उर्वरक, तीसरा, चौथा, चार ऑप्शन देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, भारतीय उर्वरक किसान सहकारी लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ ऑप्शन ध्यान में रखना और याद कर लेना इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको कुछ अच्छी चीजें और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें बताऊंगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये है कि किसका, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको, ईएफको, मतलब इफको की बात हो रही है, तो इसकी एक गुजरात में इकाई है, गुजरात में, और गुजरात में इकाई है, गुजरात में इकाई, वहीं पे क्या किया, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, नैनो नाइट्रोजन आदि का उपयोग करके संयंत्र पोषण उत्पादकों की शुरुआत की है, कहां पे, गुजरात में इसकी यूनिट है, किसकी, इफको की, ठीक है, वहीं पे याद रखना इस चीज को। नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो नाइट्रोजन का यूज करके क्या किया गया है, संयंत्र पोषण उत्पादकों का उपयोग किया गया है, कहां पे यूनिट है, कि गुजरात में यूनिट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं आपके जितने भी हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना भाई इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो मैंने क्या लिखा है, पापीकोंडा कहां का नेशनल पार्क है, पापीकोंडा कहां का नेशनल पार्क है, जल्दी बताइए, पापीकोंडा कहां का नेशनल पार्क है, सबका राइट आंसर आ जाना चाहिए, सभी स्टैटिक भी करेंगे अपन, सारा जितना भी अपन, जितना सीएम गवर्नर नेशनल पार्क सब करेंगे, उसके सिवाय क्या करेंगे, विविध, जितना भी अपना विविध बनता है वो भी अपन करने वाले। तो पापीकोंडा कहां का नेशनल पार्क है, अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं आया जी। विनय कुमार जी कह रहे क्वेश्चन बड़ा बोली, साहब अभी यूपी बिहार के अगल बगल ही घूम रहे हो आप, तो यूपी बिहार के अगल बगल ही घूम रहे हो, आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। देखो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां का है, सबका राइट आंसर आना चाहिए आंध्र प्रदेश का, एपी लिख देता हूं मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में, एपी आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क क्या है पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क क्या है, पापीकोंडा, सबको ध्यान में रखना होगा, एक ही नेशनल पार्क है सबसे इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश का, तो याद रखना आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश
पापी गोंडा जगनमोहन रेड्डी, सबको पता है आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी, सबको पता होना चाहिए। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सभी को पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी, सबको पता है क्या आंध्र प्रदेश के सीएम, सबको पता है जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के, देखो आंध्र प्रदेश याद कैसे करना है पहले मैं बताता हूँ। पापीगुंडा नाम आए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नाम आए जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण कोशियार, विश्वभूषण जी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता, अब आ जाइए अपन याद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंदानी यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, विश्वभूषण हरिचंदानी यहाँ के राज्यपाल, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाएंगे, इतना बात। पापीगुंडा यहाँ का नेशनल पार्क है, तीन चीजें याद कर ली। अब आ जाओ चौथी चीज पे, मैं ये हटा देता हूँ, पापीगुंडा आपको याद होगा, कोरिंगा, ठीक है, कोरिंगा, कोलेरू, कृष्णा, कामलकोंडनिया और क्या है, कोंडनिया, कामल कोंडनिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कोलेरू, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कोलेरू, कोलेरू यहाँ पे आ गया, कृष्णा आ गया, कामल कोंडा आ गया, कोरिंगा आ गया। सबको इतना याद हो गया, सबको इतना याद हो गया, कृष्णा, कामल कोंडा, कोलेरू और कोंडनिया, और कोंडनिया, सबको याद हो गया। अब देखो मैं बताता हूं, यहां पे मैं लिखूं के ए के, इतना याद होगा, याद करने का तरीका भी बताता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, काका श्री कृष्ण, काका श्री कृष्ण, काका श्री कृष्ण कोरिंगा में है, कोरिंगा में है। जैसे बात होती है ना किसी की, जैसे राजेश कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है, तो सिंपल से अपने ट्रिक से, भाई देखो मैं पहले भी कहा था अपनी देसी भाषा में होगी इन चीजों को याद करने का। आप सोचो हर स्टेट में तीन से चार अगर नेशनल पार्क है, तीन से चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनको याद करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। तो सिंपल से याद करने की कोशिश करना। देखो काका, काका मतलब यहाँ पे, यहां से बनेगा, देखो के के, कामल कोंडनिया, पहले कामल कोंडनिया कोलेरू, कामल कोंडनिया कोलेरू कृष्णा कोरिंगा में है, कामल कोंडनिया याद रखना, कोरिंगा कोलेरू कृष्णा सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे अपना, किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सारी, याद रखना। देखो चार के हैं यहाँ पे, फोर के, सी फोर के, ऐसे भी याद कर, के फोर सी याद कर सकते हो, कौन कौन से हैं, कोलेरू कृष्णा कामल कोंडनिया, ठीक है, और कोलेरू कृष्णा कामल कोंडनिया और कोलेरू याद हो जाएगा। यहाँ पे कोरिंगा, पापीगुंडा कहाँ का, यहाँ का नेशनल पार्क है, पापीगुंडा यहाँ का नेशनल पार्क है। थोड़ा सा दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा से बता रहा हूं आपको एक बार फिर से याद रखना। ठीक है, अब दोबारा से बता रहा हूं, देखो याद रखना, इस चीजों को सारा हटा देता हूं यहां से, है ना, उस चीज बाद एक बार देखने की कोशिश करना आप। ये याद हो गया होगा, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, कौन है यहाँ के, जगनमोहन रेड्डी सीएम है, पापीगुंडा यहाँ का नेशनल पार्क है। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अच्छे से याद कर लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अच्छे से याद कर लो। देखो ये यहाँ पे के फोर सी से याद कर सकते हो, कोरिंगा सी मतलब कोरिंगा आ जाएगा, ठीक है, के मतलब कृष्णा, कृष्णा ये रहा अपना कृष्णा, ठीक है, तीसरे नंबर पर कृष्णा हो जाएगा, दूसरे पे क्या, कोलेरू याद रखना, कामल कोंडनिया, कोंडनिया कामल कोंडा और कोंडनिया, कोंडनिया कामल कोंडा कृष्णा कोलेरू। तो सिंपल सी बात है, दो तीन बार इसी क्लास में याद करवा के जाऊंगा, अभी ऐसा लग रहा है कि याद रखना बस इतना। क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में के फोर सी है, एक ये हो गया, पापीगुंडा यहाँ नेशनल पार्क है, सीएम रेड्डी कौन है, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। अब देखो मैं इस चीज को आगे भी एक बार दो से तीन बार रिवाइज कराऊंगा, टेंशन ना लो, सारा याद हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। किस भारतीय मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट,
क्या पूछने जा रहा है? किस भारतीय मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है जो हिंसा के आधार पर भारतीय राज्यों को रैंक करती है? वह कौन सी रिपोर्ट है जिसमें राज्यों में हिंसा हुई है, जो लड़ाइयां हुई है, दंगे हुए हैं, उनके आधार पर उस पर रैंकिंग की है? तो जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं। जी आप जी अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं सर कुछ कम मजा आ रहा है जी, आंसर दीजिए आपको जो बिल्कुल मजा आएगा, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी याद करवा के जाऊंगा, याद करवाने मेरा और मकसद है, मेरा है, मैं करवा के जाऊंगा आपको, बिल्कुल 100% आपको अच्छे से याद करवा के जाऊंगा मैं आपको। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है उसका राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन 22 पे राइट आंसर। किस भारतीय मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है जो हिंसा के आधार पे राज्यों के रैंक करती है, जो हिंसा के आधार पे रैंक जारी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। भाई जितने भी रिपोर्ट्स होती है इंटरनली अपनी, किससे, अगर अपनी सुरक्षा से रिलेटेड होती है तो होम मिनिस्ट्री में रहती है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी अपने होम मिनिस्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2018-19 की जो हिंसक रिपोर्ट आई है राज्यों की 2018-19 की, वो कौन से मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने जारी की है। और इसके मंत्री कौन है? अमित शाह यहाँ के होम मिनिस्टर हैं। याद रखना इस चीज को, गृह मंत्रालय 2018-19 हिंसा रिपोर्ट राज्यों की जारी की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से उस राज्य का नाम बताइए। देखो उसी को एक्सटेंड करके पूछा गया है, उस राज्य का नाम बताइए जो 2018 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई कुल घटनाओं में से लगभग 50% हिंसक राज्य सेवाएं लेखा रही है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी हुई है हिंसाएं, उसमें 50% सिर्फ एक राज्य में है, सेवन सिस्टर की बात हो रही है। सेवन सिस्टर में से एक ऐसा स्टेट है जिसमें 50% दंगे उसी में हुए, ठीक है, बाकी 6 में 50 हुए। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का, मैं ये हटा नहीं रहा हूँ, आपको याद कराऊंगा। जितने भी अभी मैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा ना, जब तक आपके रट नहीं जाएंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं इन चीजों। तो उस राज्य का मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 23 का अभी तक क्या आ रहा है, ए असम, डी ऑप्शन भी आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट का डी ऑप्शन भी आ रहा है। देखो दूर दूर तक नहीं है आपके राइट आंसर, दूर दूर तक नहीं है आपके आंसर, दूर दूर तक नहीं है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, मणिपुर में क्या है कि अकेला मणिपुर में 50% हिंसा की रिपोर्ट्स हैं, जितने भी उधर दंगे हुए हैं उन सब दंगों के बराबर 50% सिर्फ एक मणिपुर में हुए। असम के तो नाम अब आए सीएबी बिल में, आप सुन रहे होंगे कि भाई असम में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली की जेएनयू कहा जाता है असम की उस यूनिवर्सिटी को, ये वो सारा आप सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा हिंसा कहां पे? मणिपुर में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर दीजिए। इंडोर जर्मनी फोरम का 8वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? क्या पूछने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, ठीक है, IGEF 2019 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित? नई दिल्ली भारत, जर्मनी में, भारत मुंबई में, बर्लिन जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली की बात हो रही है। आयोजित कहाँ पे की गई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये कहाँ पे आयोजित की गई है, नई दिल्ली में। और जो ये आपने राजीव, याद रखना राजीव नंदन सचिव है, किसके सचिव है, ऊर्जा मंत्रालय के। राजीव नंदन जी ने इस कमेटी को हेड किया था, ये सचिव है, ये सचिव है, याद रखना इस चीज को, ये सचिव है अपने, याद रखना। ऊर्जा मंत्रालय मतलब बिजली मंत्रालय, बिजली मंत्रालय के कौन है, सचिव है नंदन सहाय, राजीव नंदन सहाय, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली की बात हो रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो सबका राइट आंसर आना चाहिए, उसी से रिलेटेड है। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम 2019 के 8वें संस्करण के दौरान जर्मनी समकक्षों के साथ ऊर्जा मंत्रालय और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना। अगर आप थ्योरी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर में यहाँ पे आपको छोटी छोटी क्वेश्चन के रूप में पूरी डिटेल में थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी। आठ मतलब इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन चार, आठ समझौते किए गए थे रक्षा मंत्रालय द्वारा, और कौन सा है, राजीव नंदन, राजीव नंदन के संजीव नंदन राय की बात हो रही है, जो सचिव है बिजली मंत्रालय के, उनके द्वारा इस कमेटी को हेड किया गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। सबका राइट आंसर आना चाहिए, सबका राइट आंसर आना चाहिए, सबका राइट आंसर। शहरी भूकंप सर्च एंड रेस्क्यू पर शंघाई सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान देना, ध्यान देना कि यहाँ पे कौन सी बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, शहरी भूकंप सर्च एंड रेस्क्यू का पर शंघाई सहयोग संगठन SCO की बात है, संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो SCO द्वारा संयुक्त अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया। भाई इतना जल्दी आंसर क्यों नहीं आ रहे आपके, सबके राइट आंसर आना चाहिए। इंडोनेशिया, रूस, चीन और भारत, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर आना चाहिए, चारों में से राइट आंसर आना चाहिए। जकार्ता इंडोनेशिया, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन, नई दिल्ली, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत दिल्ली की बात है, भारत दिल्ली की बात है, तो इसमें क्या है, भारत की ओर से राष्ट्रीय विभाग शामिल हुआ था, ठीक है, और दूसरा उधर से SCO आया था, SCO से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शहरी भूकंप सर्च एंड रेस्क्यू पर ये सारा बात हुई है, शंघाई सहयोग संगठन कहाँ पे आयोजित किया गया, भारत में नई दिल्ली में, भारत की ओर से कौन से, राष्ट्रीय आपदा विभाग की, जिसको NDRF बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, NDRF बोला जाता है, NDRF नई दिल्ली में आयोजित किया गया SCO के साथ में मिलके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात है, देखो शहरी भूकंप खोज और बचाव, ठीक है, देखो शहरी भूकंप खोज और बचाव 2019 में शंघाई सहयोग संगठन SCO का संयुक्त अभ्यास उद्घाटन किसने किया था, देखो उद्घाटन का नाम पूछ लिया तो आपको डाटा सारा क्लियर होगा, अगर आपने कोई थ्योरी आपकी रह भी जाती है ना तो सारा क्लियर होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, SCO नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई और इसका बैठक का उद्घाटन किसने किया था, वो क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। और भारत की ओर से कौन सी बॉडी, NDRF शामिल हुआ था, भारत की ओर से NDRF शामिल हुआ था, तो राइट आंसर राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह, सी ऑप्शन, अमित शाह जी के द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा ये सारा आयोजन किया गया, कौन सा, एसओ शंघाई कॉर्पोरेशन के द्वारा, कौन सा, शहरी भूकंप खोज और बचाव। तो याद रखना शहरी, शहरी भूकंप, भूकंप खोज व बचाव, भाई भूकंप से रिलेटेड जितनी भी बाधाएं आती है, जितनी भूकंप से रिलेटेड जितनी भी परेशानी आती है, भूकंप का पता लगाना पहले, या कहीं पे भूकंप आ गया तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। सारा एनडीआरएफ क्या करता है भाई, जितनी आपातकाल की स्थिति में, जितना भी आपातकाल की स्थिति में कौन सी टीम आती है, एनडीआरएफ टीम ही तो आती है, ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए। तो एसओ ने एनडीआरएफ के साथ में, अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, कौन सा कार्यक्रम, शहरी भूकंप खोज और बचाव कार्यक्रम। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर दे दो फटाक से, राइट आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आना चाहिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क सीबीआईसी की बात हो रही है द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए, जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्री अग्रिम में सीमा शुल्क घोषणा कर सकते हैं, जहां पे अपने जो भी यात्री हैं पहले से मतलब सीमा शुल्क दे सकते हैं, तो उस ऐप का नाम बताइए, उस ऐप का नाम बताइए जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, दो जो सीमाओं के, सीमाओं पे जो शुल्क लगता है उनकी बात हो रही है, तो एक कौन सा ऐप बनाया गया है उस ऐप का नाम बताइए, फाइल, अतिथि, वेरीफाई और डिक्लेयर, चार नाम है, चारों में से एक का नाम बताइए, चार नाम दिए गए, चारों में से एक होगा, चार नाम होगा इसका क्या होगा, ये क्या होगा इसमें, अतिथि नाम से, अतिथि नाम से, अतिथि नाम से ऐप बनाया गया है, ये सब में है, एंड्रॉइड में भी है प्लस आईओएस में भी है, सब में है ये, इसमें क्या होगा, अग्रिम, अग्रिम सीमा शुल्क भुगतान किया जाएगा, अग्रिम सीमा शुल्क भुगतान किया जाएगा, याद रखना अतिथि, अतिथि ऐप का ध्यान रखना, अतिथि ऐप का नाम याद रखना, अतिथि ऐप से क्या होगा, अग्रिम सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर आपको जमा करवा सकते हैं, किससे, अतिथि, और ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में अवेलेबल है। अब आ जाओ सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 29 सबका सबका राइट आंसर है, और जितने भी साथी को अगर अच्छा लग रहा है सेशन, तो प्लीज एक बार तहे दिल से मन लगा के एक बार व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप जितने भी आपके सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि अपने जो भी साथी बंधु भाई बंधु रह गए हैं वो सारे के सारे आ जाए, और इतनी इंपॉर्टेंट जो क्लास चल रही है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू रूप में थ्योरी भी हो रहा है, नया चीजें भी सीखने मिल रही है, और स्टैटिक भी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ में स्टैटिक भी कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, तब तक मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूं, एक बार शेयर कर दीजिए मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, और मैं सभी का नाम ले देता हूं, भोला कृष्णी अतिथि, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, भोला कृष्ण जी, देव गुज्जर, मनोज कुमार, दिलजान जी, देव गुज्जर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 का, एज ऑफ ड्रग्स, एज ऑफ डूइंग है, अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का पता लगाइए, जो विभिन्न बंदरगाहों, हवाई अड्डों में आयात कार्गो में सीमा शुल्क निकासी समय की जांच करने के लिए करने में जनता के समक्ष बनाता है। ईज ऑफ डूइंग की बात चल रही है पहले, तो ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का पता लगाइए, जो विभिन्न बंदरगाहों, हवाई अड्डों में आयात कार्गो के सीमा शुल्क निकासी समय की जांच करने के लिए जनता के समक्ष बनाता है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी चीजें जो बाहर से लेके आया जाती है, किसके द्वारा, जहाज द्वारा या एयरपोर्ट के हवाई जहाज के द्वारा, एयर के द्वारा या जल के द्वारा, तो उनके जो सीमा शुल्क है उसकी जांच करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए एक क्या है, डैशबोर्ड बनाया गया है, एक डैशबोर्ड बनाया गया है, उसका नाम बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यार जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
अपना फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आइस डेज, ठीक है, डेज यहां पे ए है, ठीक है, आइस डेज की बात हो रही है, डेज बोर्ड बनाएगा कौन सा, आइस, ठीक है, आइस डेज बोर्ड बनाया गया है। आइस डेज बोर्ड के नाम याद रखना, इससे क्या होगा, जितनी भी चीजें बाहर से मंगाई जा रही है, चाहे जल के द्वारा या हवा के द्वारा, उन सभी को, ठीक है, सीमा शुल्क की सीमा शुल्क के बारे में जानकारी अवेलेबल करवाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 की जगह 30, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे 31, 31 क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए 31 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का, किस नदी में पहली बार एकीकृत अंतर्देशीय अंतर्देशीय जल परिवहन आंदोलन की घोषणा की गई है, किस नदी में पहली बार एकीकृत अंतर्देशीय जल जल परिवहन आंदोलन की घोषणा की गई है, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, चार ऑप्शन दिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होता है ब्रह्मपुत्र, थर्ड ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी में पहली बार एकीकृत अंतर्देशीय जल परिवहन आंदोलन की घोषणा की गई है, अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग टर्मिनल, क्या नाम है, एक टर्मिनल का नाम है, कौन सा टर्मिनल होगा यहाँ पे, कौन सा, सभी का एक बार आंसर दे दीजिए, हल्दिया डोक कॉम्प्लेक्स, हल्दिया डोक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, जिसपे क्या है कि अंतर्देशीय जल मार्ग में पहली बार क्या है कि जो जल परिवहन या जो जहाजों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सामान लेके आना लेके जाने वाला जितना भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सारी इसमें है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 31 का 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, कौन सा ऑप्शन अपना, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, पांचवा संस्करण वेटलैंड एटलस 2019 किसने जारी किया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आना चाहिए, पांचवा संस्करण वेस्टलैंड एटलस की बात हो रही है, सॉरी पहले गलत बोल दिया था, वेस्टलैंड एटलस 2019 की जारी किसने जारी किया, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, राधा मोहन, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ के हैं, मोरेना वाले क्या है, किसान व कृषि विकास मंत्रालय इनके पास में, किसान व किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास में है, पंचायती राज्य मंत्री, पांचवें संस्करण किसका, वेस्टलैंड एटलस 2019 जारी किया, किन्होंने, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर ने, मोरेना इनका चुनावी क्षेत्र है, क्या है ये, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास में है, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत 2015-16 के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के पांचवे अवशिष्टों की में एटलस 2019 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत है, देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत 2015 में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ये पांचवे अवशिष्टों के एटलस 2019 के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत है, 22%, 22.96, 25.96, 20.96, 16.96, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16.96% हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो यहाँ पे वेस्टलैंड की बात हो रही है, तो वेस्टलैंड क्या है, जो बंजर भूमि की बात है, तो यहाँ पे क्या है 16.96% क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ 96% अवशिष्टों में एटलस 2019 में भारत में प्रतिशत आया, तो इसका 16.96%
जो 15-16 की था उसका रेशियो आप 2019 में कहां कितना पहुंच गया, 16.96%, जो कि बंजर भूमि की बात हो रही है। 33 क्वेश्चन नंबर हो गए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास मंच के साथ किस संगठन ने संबंध किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर किनके पास में, पहला ऑप्शन तो यही होता है, उसके बाद उसने किसके साथ में एमओयू किया है, तो उसका आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें निगम, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, गूगल या फेसबुक। चार ऑप्शन दिए गए, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और चार कंपनियों के नाम दिए गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम दिए गए, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फोर का क्या होगा, जो अपना स्किल मिनिस्ट्री है, स्किल मंत्रालय ने किसके साथ में टाई अप किया है, IBM के साथ में, ताकि आने वाली पीढ़ी युवाओं को टेक्नोलॉजी मुहिम करा सके या स्किल कर सके, उन युवाओं को स्किल कर सके, स्किल प्रोवाइड करा जाए, चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो स्किल, तो युवाओं को स्किल करने के लिए IBM के साथ में किसने, अपना स्किल मंत्रालय ने, ठीक है, युवा कौशल विकास मंत्रालय ने IBM के साथ में टाई अप किया है। याद रखना IBM के साथ में टाई अप क्यों है, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, देखो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में भारत की पहली वैश्विक विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम 2019 की बात हो रही है, विज्ञान समागम, जल्दी से आंसर आने चाहिए सभी का, 2019 की बात हो रही है, विज्ञान समागम 2019 की बात हो रही है, कहां पे, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, उद्घाटन किसने किया, वेस्ट बंगाल और कोलकाता में हुआ है, याद रखना, देखो छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल, और यहां के सीएम कौन है, ममता बनर्जी, सबको पता है, और यहां के गवर्नर कौन है, जल्दी आंसर दीजिए, सबको पूछूंगा, यहां के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और यहां का विज्ञान समागम का उद्घाटन किसने किया है, दो क्वेश्चन है आपके इसमें, जल्दी आंसर दीजिए, क्या है, पीयूष गोयल, सदानंद गौड़ा, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, तो जल्दी आंसर दीजिए, वेस्ट बंगाल का राइट आंसर आना चाहिए सभी का, वेस्ट बंगाल के सीएम गवर्नर के नाम के साथ में राइट आंसर आना चाहिए। मैंने क्या कहा था आपको, पहले भी बताया था आपको, विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन वेस्ट बंगाल में हुआ है, सबको पता है, इसका किसने किया था, डॉक्टर, विज्ञान समागम है तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अपने क्या है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, उनके पास में नई दिल्ली चांदनी चौक, और यहां पे क्या आ गया, हर्षवर्धन का नाम आ जाएगा, यहां पे जगदीप धनकर यहां के गवर्नर हो जाएंगे, सीएम ममता बनर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कौन सा, विज्ञान समागम 2019 का किया है हर्षवर्धन द्वारा, उसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ, सारी चीजें याद रख लेना इसके बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस योजना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य व निगरानी समिति की 48वीं बैठक में 2.3 लाख और घरों को मंजूरी दी गई है? देखो इसमें क्या है कि और घर बनाए जाएंगे, सरकार कौन सी योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखो चारों के नाम ही अलग अलग है, आपने देखा होगा, सारी योजनाएं आपको करवाई जाएगी, फिर भी एक बार इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए। भाई अपनी स्पीड बहुत कम है, जल्दी करिए थोड़ा सा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा, शहरी विकास योजना,
थर्ड नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा यार, बी पे है ये, बी पे लिखा है ना यहाँ पे, भारत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अर्बन है एक, रूरल है एक अर्बन है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अर्बन की बात हो रही है, याद रखना दो योजना है अर्बन और रूरल, दोनों के नाम याद रखना आप, ठीक है। तो आवास योजना के तहत कितने 2.3 लाख घरों की और मंजूरी दी गई है कि भाई इतने घर और बनाए जाएंगे लोगों के लिए, इतने घर और लोगों के लिए बनाए जाएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 37 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। विज्ञान समागम का याद हो गया, कोलकाता हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया है, ममता बनर्जी, जगदीप धनकर, विज्ञान समागम, सब भूलोगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, शहरी भूकंप सर्च एंड रेस्क्यू पर संघाई संगठन संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया गया, अपने ये तो देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है भारत की ओर से एनडीआरएफ शामिल हुआ था, एससीओ शामिल हुआ था, और अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था, और कहां पे उद्घाटन किया गया था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, सबको पता हो गया, इतना तो सबको पता हो गया। शहरी भूकंप सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरी भूकंप, सुनते जाओ, भूकंप एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एंड रेस्क्यू, शहरी भूकंप रेस्क्यू ऑपरेशन कहां पे, एनडीआरएफ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित है, अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया, एससीओ प्लस भारतीय एनडीआरएफ डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के द्वारा ये काम किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ लिया था, दोबारा से रिवाइज करवा दिया इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, दोबारा से लग गए सारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर माल की सीमा शुल्क निकासी को बेहतर निगरानी और गति की कि नहीं, दिल्ली में दो आईटी पहल किए गए, एक आई डेस सबको बताया, अभी अपने देखा था जितनी भी सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर को कलेक्ट अग्रिम रूप से कलेक्ट करने के लिए लेने के लिए आई डेस बनाया गया, ठीक है। दूसरा एक अतिथि आईडेस और अतिथि, दो शुभारंभ किए गए, तो किसने किए हैं दोनों शुभारंभ, ये दोनों शुभारंभ किसके द्वारा किए गए, तो देखो पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चार ऑप्शन है, 41 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं सबका राइट आंसर आ जाना चाहिए, तो इसका निर्मला सीतारमन जी के द्वारा आई डेस और प्लस आइस डेस प्लस अतिथि दो पहल की गई है भाई, जितनी दो पहल की गई सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी एक बार फिर से मैं आपको सभी को याद करवाऊंगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नदी में पहली बार एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय जल आंदोलन, ब्रह्मपुत्र, सारे रिपीट हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 का, भारत ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए फेनी नदी से 1.8 क्यू से एक पानी वापस लेने पर किन दो देशों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, मतलब 1.82 से पानी वापस लिया जाएगा, कौन सी नदी से, फेनी नदी से, फेनी नदी से, तो भारत ने किन दो देशों के साथ में समझौता किया है, किन दो देशों के साथ में समझौता किया है, तो अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 48। बीच में कुछ किस्नों का सीक्वेंस चेंज हो गया था, इसलिए कुछ किस्न हटा दिए गए, तो अपन सीधा 41 से 48 पे आते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत चीन, भारत म्यांमार, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है, कौन सी फेनी नदी से भारत पानी लेगा, कितना 1.82 क्यूसेक पानी वापस लेगा भारत, किससे, फेनी नदी से, और भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा आपसे, कर चोरी पर स्वास्थ्य चिकित्सा प्रोटोकॉल सम्मेलन के आधार पर किस देश ने एमओयू को कैबिनेट के 6 नवंबर 2019 को मंजूरी दी है। देखो बात कितनी इंपॉर्टेंट है, ये देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कर चोरी, ठीक है, टैक्स चोरी पर स्वास्थ्य चिकित्सा प्रोटोकॉल सम्मेलन के आधार पर किस देश ने एमओयू कैबिनेट ने 9 नवंबर 2019 को मंजूरी दी है। ब्राजील गिनी स्विट्जरलैंड मालदीव की बात हो रही है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और ब्राजील की बात हो रही है। इसमें क्या है कि दो एमओयू किए गए हैं, जिसमें क्या है कि दोहरी कर, मतलब भाई दो बार कर ना लगे, एक तो वो है, दूसरा कर चोरी, अगर टैक्स चोरी होती है, ये दो इनसे रिलेटेड एमओयू किए गए हैं, इनसे रिलेटेड एमओयू है, कौन सा ब्राजील में पहला है, दो एमओयू है, कौन सा, टैक्स चोरी वाला और दोहरी टैक्सेशन दर, ठीक है, याद रखना, ब्राजील के साथ समझौता हुआ है ये, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत और गिनी ने 9 नवंबर 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किस क्षेत्र में भारत और गिनी ने, तो भारत और गिनी कंट्री की बात हो रही है, किस क्षेत्र में, पर्यावरण, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, याद, पता क्या है, एग्जाम से आप में, अगर आपकी एग्जाम टीसीएस बेसिस है, आज हम भले ही आपको ये बात, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पता है टीसीएस किस हिसाब से देगा आपको, भारत प्लस गिनी के बीच में समझौता हुआ है, उस समझौता किससे रिलेटेड है, सेम यही डिट्टो क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो जितने भी एग्रीमेंट, जिन जिन कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुए उनको कवर करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, उनको कवर करने की कोशिश करी गई है, ताकि आपको वो चीजें एक साथ अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाए। तो बताइए भारत और गिनी के साथ में किस फील्ड से रिलेटेड समझौता हुआ है, भारत और गिनी में किस समझौता, किस फील्ड से को लेकर समझौता हुआ है, तो चार ऑप्शन है, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा और स्वास्थ्य चिकित्सा। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत और गिनी को लेके किसमें एमओयू है, अक्षय ऊर्जा को लेके समझौता यहां हुआ है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, क्या बताया गया यहाँ पे, जल्दी बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछने जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए कैबिनेट ने 6 नवंबर 2019 को 25,000 करोड़ रुपए की विशेष विंडो निधि प्रदान की गई है, 25,000 करोड़ रुपए की विशेष रूप से सहायता प्रदान की गई है, किस परियोजना के लिए कैबिनेट ने 6 नवंबर 2019 को, मतलब रिसेंटली में कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपए दिए, तो किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाइल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को, शिक्षा को, स्मार्ट सिटी को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब तक जितना जल्दी हो सके सभी का राइट आंसर आना चाहिए, तो
यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कैबिनेट ने किसको 25,000 करोड़ रुपए दिए, कैबिनेट ने किसको 25,000 करोड़ दिए, तो यहाँ पे देखते हैं किनका राइट आंसर आ रहा है। स्टाइल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को, स्टाइल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को 27,25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बी ऑप्शन, 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर अब बताओ बताइए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस योजना के लिए कैबिनेट 6 नवंबर, ये तो वही आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया ने संयुक्त नौसेना अभ्यास के नाम बताइए, भारत और इंडोनेशिया की बात हो रही है, ठीक है, संयुक्त नौसेना अभ्यास के नाम बताइए जो 6-7 नवंबर 2019 को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो वह सैन्य अभ्यास जो भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना का अभ्यास है, पहली बात तो नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का किन के बीच में, भारत प्लस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है भारत और इंडोनेशिया का, तो अजय वॉरियर, मैत्री, समुद्र शक्ति और मित्र शक्ति, चार ऑप्शन है, मैत्री शक्ति, मित्र शक्ति, अजय वॉरियर और समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया में जो नौसेना का सैन्य अभ्यास हुआ बंगाल की खाड़ी में, उसका समुद्र शक्ति है, समुद्र शक्ति 2019 नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, समुद्र शक्ति 2019 समुद्र शक्ति 2019 नाम दिया गया, किसके बीच में, भारत प्लस इंडोनेशिया, भारत प्लस इंडोनेशिया की है, बंगाल की खाड़ी में ही हुआ है, याद रख लेना इन चीजों को, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सशस्त्र बल ने गोवा के क्षेत्रीय स्तर पर, गोवा में क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव कार्यशाला अभ्यास 2019 का आयोजन किया गया है, किस सशस्त्र बल, कौन सी सेना ने गोवा में क्षेत्रीय खोज, क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव की कार्यशाला योजना अभ्यास किया गया है, तो उसका नाम बताइए, जल्दी आंसर दीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र बल, सीएपीएफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है, गोवा में क्षेत्रीय स्तर पे अभ्यास किया गया, किसके बचाव और खोज के लिए, खोज और बचाव के लिए अभ्यास किया गया, किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड में याद इतना रख लेना, गोवा में एक अभ्यास किया है, ठीक है, ताकि आपका इस यहां से याद हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव राइट्स इनिशिएटिव के केंद्र के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन का नाम बताइए, तो उस संगठन का नाम पूछा गया है, कौन से संगठन का, जो सामाजिक न्याय कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के केंद्र में सहयोग के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके टाटा ट्रस्ट ने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन, तो जो रिपोर्ट जारी करी है कौन से ने, टाटा ट्रस्ट ने रिपोर्ट जारी की है, किससे रिलेटेड, सामाजिक न्याय कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स के लिए किस, इस रिपोर्ट का क्या नाम है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो इसका क्या नाम है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, याद रखना इसका 2019 की बात है, और टाटा ट्रस्ट ने किया है, याद रखना इसका, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा आपसे,
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्याय वितरण पर भारतीय राज्यों की कुल रैंकिंग, भारतीय राज्यों की कुल रैंकिंग में 18 बड़े मध्य राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है, 18 बड़े मध्यम राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है। भारत न्याय रिपोर्ट 2019, देखो ये सारी रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कौन सा क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट, भारत न्याय रिपोर्ट की बात है, भारत न्याय रिपोर्ट की बात चल रही है यहां पे, ठीक है, भारत न्याय रिपोर्ट की बात चल रही है। भारत न्याय रिपोर्ट 2019 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से कौन से राज्य शीर्ष पे है, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र जहां के सीएम अभी कौन है, उद्धव ठाकरे जी, जहां के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोशियार, जहां के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोशियार, आपको पता होना चाहिए। और जिसमें जिसमें बाल ठाकरे जी के नाम पे क्या नाम रखा जा रहा है, बाल ठाकरे के नाम पे एक सड़क का नाम रखा जा रहा है, मेगा हाईवे का नाम बाल ठाकरे जी के नाम पे रखा जा रहा है, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद कौन कौन से स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे केरल आएगा, दूसरे नंबर पे केरल आएगा, सभी को ध्यान में रखना है, दूसरे नंबर पे केरल आएगा, ठीक है, इतना याद रख लेना, दो स्थानों की बात हो रही है। न्याय विकास वितरण में कुल रैंकिंग में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, कौन सा स्टेट है, उद्धव ठाकरे जी वाला, ठीक है, जहां पे भगत सिंह कोशियार सीएम है, इतना मैंने याद कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोयला खनन, अच्छा कोयला से अपने अभी पढ़ा था, कोयला पढ़ा था अपने, कोल इंडिया की, कोल इंडिया की 2024 में कोल इंडिया की बात हो रही थी, कोल इंडिया, कोल इंडिया की 2024 में 45वीं वर्षगांठ है, सबको पता होना चाहिए 2024 में 45वीं वर्षगांठ है, ठीक है, 2024 में 45वीं वर्षगांठ है, ठीक है, जिसमें 1 बिलियन टन कोयले का टारगेट रखा गया है, क्वेश्चन अपने धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है, कोल इंडिया वाला अपने इससे पहले पढ़ा था। कोल खनन के घातक दुर्घटनाओं के लिए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा घोषणा की गई घोषणा नई भूतपूर्व राशि क्या है, अगर खान से कोयला निकालते समय अगर कोई ट्रेजडी हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो राशि दी जाती है उसको दोबारा से देखा गया है, तो उसको उसके बारे में बताइए। चार ऑप्शन दिए रखे हैं, चारों में से राइट आंसर आना चाहिए सभी का, चारों में से, मतलब 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो 59 का राइट आंसर आना चाहिए, 59 का राइट आंसर आना चाहिए, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं अभी तक सबका। कोयला खनन में घातक दुर्घटनाओं के लिए कोयला विक बाबा साहेब बाल ठाकरे जी, कोल इंडिया 2024 में 45वां, वेरी गुड भाई, बोले वेरी गुड भाई, वेरी गुड, इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो साथी अपने रह गए, अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चा मन लगा के इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को बहुत सी चीजें, अपन को नई चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पे, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिल रही है। कोयला खनन के घातक दुर्घटनाओं के लिए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई राशि, मतलब जो पहले राशि दी जाती थी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको अब नया बढ़ा के कितना देने लगे, अब बढ़ा के कितना देने लगे, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ठीक है, कितना रुपए देंगे, 15 लाख रुपए, याद कर लेना, 15 लाख रुपए कौन से ऑप्शन में, अपने ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे एक बात ये हो रही होगी, कोयला मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, कितना पैसा देंगे अगर अगर कोयला खानों में इनमें दुर्घटना होता है, तो 15 लाख रुपए, कोल अपना वो अपने कोल इंडिया वाला पढ़ाता, 45वां उसका क्या नाम है, 45 साल का जब होगा, तो कब, 2024 में, 2024 की बात है, 1 बिलियन टन का उसमें अपना टारगेट रखा गया, इतना कोल को निकालने की टारगेट रखा गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 60 की, किस संगठन ने खाद्य सुरक्षा और मानक, मतलब स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य आहार विनियम 2019 का शीर्षक मसौदा जारी किया गया है, तो किस संगठन ने, मतलब एक संगठन का नाम पूछा गया है, उस संगठन से क्या, उस संगठन ने क्या दिया है,
खाद्य सुरक्षा और मानक मानक विनिमय, खाद्य सुरक्षा क्या नाम है देखो इस रिपोर्ट का याद रखना, खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय, और मानक में मतलब जो खाद्य खाना दिया जाता है और उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी कितनी है, विनिमय उसके लिए बात हो रही है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय के लिए जो स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन का आहार अवेलेबल करवाया जाता है उसकी बात हो रही है, शीर्षक मसौदा जारी की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने, भारतीय राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने और भारत केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, चार ऑप्शन देंगे कौन से संगठन ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है, कौन सा खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय मतलब खाना कैसा हो इसकी कितनी क्वालिटी हो, इस रिपोर्ट इसके बारे में क्या क्या गया है, कौन सी बॉडी ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका FSSI, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा FSAI, FSSI अपने नाम सुना है इसका, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत की जो बॉडी है भारतीय खाद्य सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण बॉडी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक वितरण विनिमय, जो कि स्कूलों में जो बच्चों को खाना कैसा देना है और कितनी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए इसके बारे में है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61 की बात हो रही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दीजिए। CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों 100 दिनों के लिए गृह कार्यों को लागू करने के लिए गठित 7 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है, देखो CAPF की बात हो रही है उससे कमेटी बनी है, 7 सदस्यों की कमेटी है, ये भी पूछ सकता है आपसे, 7 सदस्य समिति है, किसकी है CAPF की, याद रखना CAPF की सात सदस्य समिति है, तो इसके प्रमुख कौन है, इमदाद अली, वीजी कौनेटकर, अतुल करवाल, चार ऑप्शन दिए गए 61 का चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए भाई, आंसर आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अतुल करवाल। देखो याद रखना, सबसे इसमें क्या है, देखो इसमें क्या कहा गया है, देखो 100 दिनों के गृह कार्य को लागू करने के लिए, 100 दिनों तक गृह कार्य को लागू करने के लिए बात हो रही है, इसमें 100 दिनों तक गृह कार्य को लागू करने के लिए, तो इसमें क्या है कि 100 दिन की छुट्टी वाली बात हो रही है, होम स्टे की बात हो रही है। ठीक है, पैनल का प्रमुख कौन है, अतुल करवाल, CAPF की रिपोर्ट है, 7 सदस्य की है, इतना याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है CAPF की कमेटी का नाम बारे में, तो आपको अतुल करवाल के बारे में नाम पता होना चाहिए, अतुल करवाल के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 का आपकी स्क्रीन पे 62 देर का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2016 के अनुसार किस राज्य ने मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, तो वह कौन सा राज्य है जिसमें मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अपने फैक्ट पहले भी याद रखे, याद बताइए, विरूपाक्षा चिना कर्नाटक की टेम्पल्स, विरूपाक्षा के होलेश्वर, गोमतेश्वर, विरूपाक्षा और चिनाकेश्वर, चार टेम्पल्स के नाम आपको याद करवाए थे मैंने कर्नाटक में। अब येदुरप्पा जी वहाँ के क्या है, सीएम है, येदुरप्पा वहाँ के सीएम है, तो कर्नाटक 62 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आना चाहिए सभी का, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर दीजिए। वर्ष 2020 के लिए पहला मुख्य भूमि मिलन
बहुपार्श्व नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? देखो सारों का राइट आंसर आना चाहिए। 2020 के लिए पहला मुख्य भूमि मिलन बहुपार्श्व नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये 9 नवंबर 2019 को 9 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया, ठीक है। किसमें के लिए? वर्ष 2019 में पहला मुख्य भूमि मिलन बहुपार्श्व नौसेना अभ्यास होगा, उसके लिए उससे पहले एक एडवांस में अभ्यास किया गया 9 नवंबर 2019 को विशाखापट्टनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। और आंध्र प्रदेश के अभी अपने सारे फैक्ट याद कर रहे थे, जितने भी है, सीएम भी याद किया था, गवर्नर भी याद किया था, वहां के पापीकोंडा नेशनल पार्क भी याद किया था, क्या K43 याद करिए, जब K43 कोरिंगा सी का नाम क्या हो जाएगा? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, कोलेरू कृष्णा कोरिंगा कामलकोंडनिया, ठीक है, कोलेरू कृष्णा कोंडनिया कामलकोंडा। चारों के याद हो गए। सी का मतलब कोरिंगा। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक बार फिर याद करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, राइट आंसर दीजिए 64 का। चलिए, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागों में प्रमुख 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, ठीक है, सहयोग संगठन की बात हो रही है। तो एक याद रखना, चीन के दो, संघाई और बीजिंग, दो जगह पे हेडक्वार्टर बहुत है। तो SCO का हेडक्वार्टर कहां पे? क्या संघाई में है, क्या बीजिंग में है? आंसर दीजिए कमेंट करके। SCO का हेडक्वार्टर कहां है? दोनों में से एक है। और चीन में जैसे कई बार होते हैं ना, यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है या मुंबई में मिलेंगे अपने देश में, वैसे ही संघाई या बीजिंग में है। तो SCO का हेडक्वार्टर कहां पे है? संघाई सहयोग, इसका SCO ऑर्गेनाइजेशन समिति का, ठीक है। इसका जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। तब तक मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन, मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 64 है उसका राइट आंसर देता हूं। सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुख 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दीजिए। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सबका राइट आंसर आना चाहिए। तो ये नई दिल्ली में 10वीं बैठक आयोजित की गई, किसकी? SCO की। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। इसका SCO का हेडक्वार्टर कहां पे है? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। देखो क्या पूछा गया है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर दीजिए। राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019, कौन सा? राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात हो रही है। पहले संस्करण का उद्घाटन धर्मशाला हिमाचल में किया गया है, किसके द्वारा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन एज इट आपकी थ्योरी के रूप में पहली बार अखबार में आए, ऐसे मान लो आप। राइजिंग हिमालय की बात हो रही है, हिमालय और धर्मशाला, और जो हिमाचल का धर्मशाला, एक बात याद रखना, हिमाचल का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी धर्मशाला में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? सीएम है, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर है। तो इसका राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, क्या नाम है इसका पूरा? ग्लोबल समिट
2019 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह और अमित शाह। सबका राइट आंसर आना चाहिए, सबका राइट आंसर आना चाहिए 66 में, 66 का राइट आंसर। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका राइजिंग हिमालय किसका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हिमाचल धर्मशाला में इसका उद्घाटन किया था। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। हिमाचल प्रदेश के कौन है, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सबको पता होना चाहिए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। और यहाँ के अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ के गवर्नर पूछूं तो गवर्नर का नाम बताइए बांद्रू दत्तारू। दत्तारू शिमला यहाँ की राजधानी है। सबको याद होने, राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 मोदी जी द्वारा धर्मशाला में आयोजित किया गया, ठीक है, उद्घाटन किया गया। याद रखना, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, सबको पता है। बांद्रू दत्तारू यहाँ के गवर्नर है। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला यहाँ की राजधानी हो जाएगी। इतना हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सुनते जाओ, सारी चीजें आपकी रिवाइज करवा दूंगा मैं, जितनी भी चीजें आपके हैं करंट अफेयर स्टैटिक जीके से रिलेटेड, सारी चीजें आपको बोल बोल के मैं सारी सुना बार बार सुनाऊंगा मैं आपको, और आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखो बात होगी, उसमें एक पॉइंट रह गया था अपना, राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए। 2019 के ब्रांड एम्बेसडर मतलब राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने मोदी जी ने उद्घाटन किया, कहां पे, धर्मशाला में। याद रखना जयराम ठाकुर, ठीक है, याद रखना शिमला। तो कौन है, चार ऑप्शन दिए, दिव्य खोखला, उर्वशी रोतेला, आयुष्मान खुराना, यामी गौतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, यामी गौतम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रख लेना, राइजिंग हिमालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यामी गौतम। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ, बिमस्टेक की बात हो रही है, बिमस्टेक पोर्टल करने हैं, कॉन्क्लेव का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, बिमस्टेक कॉन्क्लेव का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया गया। तो यहां पे मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम और हैदराबाद, चार ऑप्शन दिए गए हैं। बिमस्टेक के बारे में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए बिमस्टेक क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव किससे, मल्टीलेटरल टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव के बारे में, जो बंगाल की खाड़ी में जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इनिशिएटिव है, इनके बारे में एक जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी यूज करना आदि के बारे में एक इनिशिएटिव किया गया था, बिमस्टेक है, ठीक है। कॉन्क्लेव का पहला संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, तो 69 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और एक बात और बता दी जाए, चलिए यहाँ पे पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 का। रानोक पोर्ट मतलब थाईलैंड के पोर्ट अथॉरिटी और चेन्नई विशाखापट्टनम कोलकाता पोर्ट ट्रस्टों के बीच साइन किया गया है। तीन पोर्ट है, चेन्नई कोलकाता और कौन सा है, थाईलैंड का। तीनों पोर्टों के बीच में बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण के दौरान किन दो देशों को लाभान्वित किया, भारत और थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका भारत और म्यांमार। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार की बात हो रही है तो जल्दी से आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर भारत और थाईलैंड की बात हो रही है। देखो बाकी दो पोर्ट तो इंडिया के पोर्ट हैं, तीसरा पोर्ट कहां का था, थाईलैंड का, तो ऑब्वियस ही बात है दो देशों के बीच पूछा गया है तो भारत और थाईलैंड का इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का पांचवा संस्करण कहां पे किया गया था, मैं पहले ही बोल चुका था, एक दिन पहले भी क्वेश्चन लेके आया था, पहले भी बोला था पांचवा संस्करण हो रहा है, पांचवा संस्करण हो रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का पांचवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है इसका पांचवा, तो मैंने पहले बता चुका हूँ, एक दिन पहले मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आया था, उसमें क्वेश्चन लेके आया था, पूरा डिटेल में बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल, वही स्टेट जो जगदीप धनखड़ वहां के क्या है गवर्नर है और सीएम कौन है, ममता बनर्जी सीएम है वहां की। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 के पांचवें संस्करण का विषय क्या था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पे हुआ, कोलकाता में, ठीक है। इसका थीम क्या थी, तो जल्दी से बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का अगर मैं जो टॉप 10 क्वेश्चनों की बात कहूं, सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से थीम है इसकी, इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना एज इट इज, रट्टा मार लेना। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेटिव एंड साइंस द एम्पावरिंग द नेशन, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है याद रखना, राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेटिव एंड साइंस द एम्पावरिंग द नेशन, एम्पावरिंग द नेशन, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट एज इट इज याद रख लेना, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल कौन सा साइंस फेस्टिवल 2019 कोलकाता में हुआ, पांचवा संस्करण था इसका, ठीक है। एक बात ये होगी, इसकी थीम क्या थी, रिसर्च इनोवेटिव साइंस द एम्पावरिंग द नेशन, एम्पावरिंग द नेशन, ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना इस चीज को। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2019 का नाम बताइए। तो अभी तो अपने किया था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2019 का नाम बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल हुआ था साइंस महोत्सव से रिलेटेड उसका नाम बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, 73 का चार ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए विज्ञानिका, विज्ञानिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञानिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञानिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको एक बार नोट्स में रहेगा तो याद रहेगा आपके। अब आ जाइए नेक्स्ट में, पंजाब के गुरदासपुर शहर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किसने किया है, पंजाब के गुरदासपुर शहर में एकीकरण चेक पोस्ट का उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर दीजिए। तो ये गुरदासपुर शहर में जो चेक पोस्ट नया निर्माण चेक पोस्ट का हुआ है वो किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, पहले इंडो रूसी संयुक्त त्रिकोणीय सेवा का नाम बताइए जो 10 से 19 दिसंबर 2019 तक भारत में आयोजित किया गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भारत का पहला इंडो रूसी संयुक्त त्रिकोणीय सेवा का नाम बताइए। तो इंडो, इंडोनेशिया, रूस, भारत, त्रिकोणीय हो गया, ठीक है। 10 से 19 दिसंबर 2019 तक भारत में आयोजित किया गया है, भारत में आयोजित किया गया है, उसका नाम बताइए, इंदर 2019, अजय वॉरियर, वज्र प्रहार, मैत्री। तो चार ऑप्शन दिए गए, 75 का राइट आंसर दीजिए, 75 का राइट आंसर दीजिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में कौन सा होगा, भारत और रूस के बीच में इंदर 2019, इंदर और इंदर 2019 भारत के रूप में, जिसमें जितनी भी सेवाओं संबंधी वायुसेना नौसेना जितनी भी सेवाएं हैं इनके बारे में अभ्यास की बात है, ठीक है। तो इंदर 2019 की बात है, तो इंदर 2019 75 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर 70, किस बंदरगाह में, बंदरगाह में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाने का बनाया जा रहा है, वह कौन सा बंदरगाह है जिसमें दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है, ठीक है। मोरामुंगो पोर्ट, भावनगर बंदरगाह, कांडला पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट। 76 में चार पोर्टों के नाम दिए गए जिसमें सीएनजी का पोर्ट लगाया गया, वह कौन सा आपका बंदरगाह है, तो जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, इसका हो जाएगा भावनगर बंदरगाह। ये गुजरात का बंदरगाह है जिसमें गुजरात के विजय रूपानी जी सीएम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, विजय रूपानी जी ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दी है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 77 पे, क्वेश्चन नंबर 77 की बात है, ठीक है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रक्षा उत्कृष्टता में नयाचार मतलब नई नई चीजें ऐड होने के लिए कहाँ पे ये सम्मेलन बना किया गया, आयोजित किया गया, तो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोची केरल, मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवाचार के लिए कहाँ पे क्या है, जल्दी आंसर दीजिए, तो इससे नई दिल्ली की बात हो जाएगी। डेफ कनेक्शन डिफेंस डेफ कनेक्ट, ठीक है, डेफ कनेक्ट नाम से इसका डेफ कनेक्ट के नाम से आयोजित किया गया, डेफ मतलब डिफेंस, कनेक्ट मतलब कनेक्ट जोड़ना, ठीक है। इसका नई दिल्ली में आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्षता कौन करेगा। देखो इंपॉर्टेंट है, फिर कमेटी का नाम आया है, फिर समिति का नाम आया है, तो समिति का नाम आया तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। नई जल नीति पर मसौदा तैयार करने के लिए, किस पे जल नीति की बात आ रही है, पर समिति बनी है, उसे अध्यक्षता कौन करेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, मिहिर शाह, शशि शेखर, अश्विनी पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, समिति की अध्यक्षता, मिहिर सेन, मिहिर शाह, ठीक है, मिहिर शाह की बात होगी। अब ये आपको पता होगा कि जल मंत्रालय किनके पास में है, ये गजेंद्र सिंह के पास में, और ये कहाँ के हैं, ये जोधपुर के हैं, याद रखना, जोधपुर के चुनावी क्षेत्र है इनका, ये जोधपुर के हैं। जल मंत्रालय जो नया बनाया गया, जल मंत्रालय किनके पास में, गजेंद्र सिंह के पास, जल नीति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता समिति कौन का, मिहिर शाह, अमित शाह नहीं, मिहिर शाह याद रखना, कमेटी का नाम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कमेटी से क्वेश्चन आएगा, बच के नहीं जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, किस पत्रिका ने भारत में पुरुषों को एनीमिया एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि क्रॉस सेक्शन अध्ययन नामक एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, ग्लोबल हेल्थ एक्शन, स्वास्थ्य मानवाधिकार जनरल, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक राइट आंसर आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए।
तो इसका राइट क्या हो जाएगा, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ। देखो भारत में क्या है एनीमिया, 23.8% लोगों को, भारत में 23.8% लोगों को एनीमिया है, एनीमिया मिला इस रिपोर्ट में। भारत में 23.8% लोगों को एनीमिया मिला, 23.8% लोगों को एनीमिया मिला। समिति अध्यक्षता कौन करेगा, मिहिर शाह, कौन सी जल नीति वाली थी वो, तो ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सारे के सारे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, भारत में पुरुषों में एनीमिया, देखो एनीमिया एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि क्रॉस सेक्शन अध्ययन नामक एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में सबसे ज्यादा एनीमिया किस राज्य में पाया गया। मैंने क्या कहा, 23.8% तो टोटल हो गया, और सबसे ज्यादा एनीमिया कौन से राज्य में लोग ग्रसित मिले, एनीमिया से ग्रसित कौन से राज्य में मिले, जल्दी बताइए। तो बिहार के, वही राज्य जहां पे नीतीश कुमार जी राज करते हैं, फागु चौहान, फागु चौहान, नीतीश कुमार, सबको याद होगा नालंदा की बात हो रही है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार, फागु चौहान, नीतीश कुमार, सबको याद हो गया। बिहार में सबसे ज्यादा एनीमिया से ग्रसित लोग मिले, और टोटल अपने कंट्री में कितने, 23.8% लोग, इतना ज्यादा एनीमिया से ग्रसित लोग मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। सरकार ने मेक इन इंडिया का समर्थन करने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। मेक इन इंडिया का समर्थन करने के लिए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए गए, निम्न में से कौन सा राज्य उनमें से नहीं है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, चार ऑप्शन दिए गए। ये बहुत सी बार आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सी बार आपने सुना होगा इसका, तो जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। बाकी तीन तीन ऑप्शन दिए गए, तीनों जगह पे क्या है, मेक इन इंडिया समर्थन करने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित, मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। बाकी तीन जगह पे मेडिकल डिवाइस जिसमें कि प्लग इन प्ले वाले वाले सिस्टम होगा, जहाँ पे ऐसी जो भी बनाए जाएंगे बॉडी, जिससे कि दवाइयों का वितरण वितरण जितना भी सब कुछ है सारा किया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 का, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर, संस्कृति भारती विश्व सम्मेलन, संस्कृत भाषा पर अपनी तरह पर पहली वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन। देखो याद रखना ये चीज, पहली बार हुआ है, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर दीजिए, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर। 82 का राइट आंसर, 82 का नई दिल्ली की बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 में नई दिल्ली, 82 में ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 के बाद 83 नंबर पे, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, थीम है, तो ये लिख लेना आप, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 2041 का उद्घाटन सम्मेलन का विषय क्या था, विषय क्या था, थीम जल्दी दुनिया के लिए दिल्ली राजधानी है, थीम कल के लिए राष्ट्रीय राजधानी, थीम कल के महानायक पूंजी क्षेत्र के लिए योजना, थीम कल की दुनिया का दिल्ली मेट्रोपोलिस, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, 83 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कल के महानायक पूंजी क्षेत्र के लिए योजना, कल के महानायक पूंजी क्षेत्र के लिए योजना, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब आ जाइए 84 की बात है, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दीजिए,
किस वर्ष तक दिल्ली टोक्यो से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बनने के लिए तैयार है? टोक्यो से आगे भाई दिल्ली को टोक्यो बना दिया, टोक्यो से आगे निकलने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का 2028 तक, 2030 तक, 2035, 2025 तक, तो 84 का राइट आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके 84 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 2028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी क्लास को अभी इतना ही है इसमें, फिर एक बार आगे क्लास भी आएगी मैम की, मैम की क्लास भी आएगी और टीचर्स